आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चौपारण प्रखंड के बसरिया गांव में सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर एवं पगड़ी बांधकर स्वागत किया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार को तीन बिल वापस लेने ही होंगे। किसान लगभग ढाई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, कई किसानों की तो जान चली गई। 20 फरवरी को बड़े पैमाने पर किसानों की रैली हजारीबाग जाएगी। जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी, आंदोलन जारी रखेंगे। इस धरना के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख एवं बरही विधानसभा के विधायक उमाशंकर अकेला, रामगढ़ विधायिका ममता देवी, पंचायती राज प्रकोष्ठ अध्यक्ष जयशंकर पाठक, चौपर्ण विधायक प्रतिनिधि रामपाल सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विकास यादव, अजय राय, पंकज सोनी, राजेश साव, मनोज रजक, उमेश साव, रवि सोनी, राजा राम इंद्र गुरु, सुरेंद्र सिंह, मीणा देवी, कृष्णा कसेरा, रविशंकर अकेला, पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष विकास गुप्ता, महेंद्र साहू इत्यादि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे। आरपी भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। यहाँ के किसानों को, नौजवानों को अपने भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए संयोजक होने के नाते निमंत्रण देना आया हूँ, और साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं उसको भी सुनना आया हूँ। कृषि मंत्री अपने पद और गरिमा को जानता है, लेकिन जब किसान का भविष्य ही खतरे में हो, षड्यंत्र चल रहा हो, यह देश गांधी सुभाष पटेल का देश है, आजाद नेहरू अंबेडकर का देश है, उसे किसी भी हालत में उद्योगपतियों का देश गुलाम बनने नहीं दिया जाएगा। इसकी आगाज करने और आज के बाद 4 दिनों बाद जो रैली होगी हजारीबाग में, उसके लिए यहाँ से हजारीबाग की ओर उमा शंकर अकेला जी के नेतृत्व में कूच करने का आह्वान करना आया हूँ। इन सब चीज़ों को लेकर यह कार्यक्रम है, और इसके आगे जो भी यहाँ के जनता जनार्दन किसान का निर्देश होगा, उसको वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार, उसके अनुरूप ही उनके भावनाओं का ख्याल करेगी, उनके हितों की रक्षा करेगी। और जब तक काला कानून जो केंद्र द्वारा थोपा गया है वापस नहीं हो जाता, तब तक चरणबद्ध आंदोलन करते रहेगी। इन्हीं सबको लेकर आज हम सबका यहाँ आगमन हुआ है, और इसके बाद का भी कार्यक्रम है, उसको हम समय आने पर आपको बताएंगे। सर, झारखंड में ये जो आपने कहा कृषि जो किसानों को लेकर आपने आया है, अच्छा, आज 20 तारीख को जो हजारीबाग में किसान महारैली का कार्यक्रम है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग चौपारण में आए हैं, और यहाँ पर यहाँ के सभी कृषि भाइयों बहनों को हम लोग आमंत्रित करने आए हैं, और साथ ही जो 3 काले कानून यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं उनके बारे में इनको जानकारी देने आए हैं। और जब तक ये 3 काले कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है, निरस्त नहीं करती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और किसान के समर्थन में हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 20 तारीख को हजारीबाग में किसान महापंचायत का आगाज किया है, और उस ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए हमारे झारखंड प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय बादल पत्रलेख जी हमारे इस आंदोलन के संयोजक हैं, और उसी के तहत आज चौपारण प्रखंड के बसरिया ग्राम में हमारे बीच में माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी उपस्थित हैं, हमारे साथ रामगढ़ की विधायिका ममता दी जी हमारा उपस्थित हैं, हमारे साथ जयशंकर पाठक जी हैं, हमारे साथ शहजादा अनवर साहब हैं, और राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग भी हमारे इस हजारीबाग के ट्रैक्टर रैली में शिरकत करेंगे, और हम लोग किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है। चाहे वो पश्चिम चंपारण का आंदोलन हो, महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरोध में उन्होंने 1917 में उस धरती पर जाकर के उस खेती का विरोध किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की बात किया है, मजदूरों की बात किया है, इसलिए किसान के विरोध में 3 जो काला कानून आया है उसको हम लोग निरस्त नहीं कर ले, तब तक हम लोग चैन से नींद नहीं सोएंगे। बस बहुत हो। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग
लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।